नमः संस्कृताय साथियों, आज कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6 के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। सुताम पुत्री के बिना गृहम घर शून्यम सूना होता है, अर्थात घर में पुत्री होती है तो बहुत ही आनंदपूर्ण वातावरण होता है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। प्रश्न संख्या 1 है कि अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्ना नाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला प्रश्न है कि दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आ गए, तो हमें का के स्थान पर आंसर देना है। कौन आई? शालिनी। बाकी शेष सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिष्ट्या शालिनी समागता। हमें ये नहीं पूछा गया कि शालिनी कौन थी, तो यहाँ पर आंसर में लिख भी दिया है कि दिष्ट्या राकेशस्य भगिनी, दिष्ट्या भाग्य से राकेश की बहन शालिनी आ गई। खे है राकेशस्य कार्यालये, राकेश के कार्यालय में निश्चिता निश्चित की गई का मतलब क्या, तो आंसर हो गया हमारा गोष्ठी सभा। तो राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता, ये वह है, इसको चय मानिए आप, निश्चिता। तो आंसर आपके क्या लिखेंगे? गोष्ठी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि राकेश शालिनी को गंतुम जाने के लिए कथयति कहता है, कुत्र कहाँ जाने के लिए कहता है, तो कुत्र के स्थान पर हमें आंसर क्या लिखना था? चिकित्सकाम प्रति, डॉक्टर के पास। ठीक है, पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो राकेश शालिनी मालया से माला के साथ डॉक्टर के पास गंतुम जाने के लिए कथयति कहता है। राकेश शालिनी को माला के साथ, मालया सह माला के साथ चिकित्सकां प्रति डॉक्टर के पास गंतुम जाने के लिए कथयति कहता है। राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घे सायंकाले भ्राता, शाम के समय भाई कार्यालयात, कार्यालय से आगते आकर के करोति करता है, क्या करता है? किम, क्या करता है? तो किम के स्थान पर आंसर हमें क्या लिखना है कि सायंकाले भ्राता, श्याम के समय भाई कार्यालयात, कार्यालय से आगते आकर के हस्त पादादिकम, हस्त का मतलब होता है हाथ, पादादिकम का मतलब पैर आदि, हाथ और पैर आदि, प्रक्षाल्य का मतलब धोकर के, वस्त्राणि चे और वस्त्रों को परिवर्तित चेंज करके, पूजा गृहम पूजा के घर गत्वा जाकर के, दीपम दीपक प्रज्वालयति जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि और भवानी की स्तुति भी करोति करता है। ये है, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदल करके पूजा के घर जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। न राकेश है, राकेश तिरस्कारम करोति, तिरस्कार करता है। कस्या, किसका तिरस्कार करना? तो यहां पर लिखेंगे कि राकेश है श्रेष्ठ उत्पादिन्या, राकेश है सृष्टि, सृष्टि को उत्पादिन्या उत्पन्न करने वाली सत्या शक्ति का तिरस्कारम करोति, तिरस्कार करता है। राकेश सृष्टि का सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता। छे शालिनी भ्रातरम, शालिनी भाई को प्रतिज्ञा कर्तुम करने के लिए कथयति कहता है।
शालिनी भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है का मीन्स कौन सी प्रतिज्ञा? उत्तर देखिए शालिनी धातरम नहीं है साथियों, ये है भ्रातरम। तो यहां का भ्रातरम इधर ले लेंगे, ये लो, तो शालिनी भ्रातरम शालिनी भाई को कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या उसके पाटने चे और पढ़ाने में, दत्त चित्त भवितुम दत्त चित्त होने की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर्तुम करने के लिए कथयति कहता है। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में, तस्या पाटने चे और उसके पढ़ाने में दत्त चित्त होने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, कथयति कहती है, कर्तुम करने के लिए प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। ने यत्र नारिये जहां नारियां न पूजियंते नहीं पूजी जाती हैं, तत्र वहां भवती होता है। किम का मतलब क्या? जहां नारियां नहीं पूजी जाती हैं वहां क्या होता है? यत्र जहां नारिये न पूजियंते, जहां नारियां न पूजियंते नहीं पूजी जाती हैं, तत्र सर्वा क्रिया वहां पर सभी प्रकार की क्रियाएं भवंती होती हैं। क्या होती हैं? ऐ फला नहीं फल देने वाली होती है, फल नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर दो है कि अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, नीचे लिखे पदों की संस्कृत रूप लिखिए। तो देखिए कोख को बोलते हैं कुक्षी, सात मिंस सह गोद क्रोडम भाई भ्राता कुआ कुपह दूध दुग्धम। अब इनका आंसर देख लीजिए, देखिए कोख कोक्षी सात सह गोद क्रोडम भाई भ्राता, भ्राता नहीं है साथियों, इस भय में रे की मात्रा है, क्या है भय में? रे की मात्रा, भ्राता क्या है? भ्राता। इसको भ्राता ही कर देते हैं। हाँ देखिए बस अभी कर देते हैं, ये लोग भ्राता, भाई मीन्स भ्राता, कुआ कुपह है, कुआ मीन्स कुपह है, दूध दुग्धम। नंबर थ्री, उदाहरणम अनुसृत्ते कोष्टक प्रदत्ते सुपदेशु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण को सहारा लेकर के कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। आपको पता है कि साथियों सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए मातृ शब्द की तृतीया विभक्ति क्या होगी? मात्रा, ये लिख देंगे फर्स्ट में, मात्रा से माँ के साथ पुत्री गच्छती पुत्री जाती है, और जो विना है इसके साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो परिश्रमेण विना या परिश्रमम विना या परिश्रमात विना कोई भी कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा आपका परिश्रमेण, परिश्रमम भी कर सकते, परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। छात्र छात्र लिखती लिखता है, अब लेखनी है, इसकी तृतीया विभक्ति क्या होगी? लेखिन्या, लेखनी से, ठीक है, छात्र लेखनी से लिखता है।
सूरदासे सूरदास अंधे आसीत अंधा है था। तो नेत्र अंधा किसने आंखों से, दोनों आंखों से, जो दोनों आंखें काम नहीं करती हैं उसको अंधा बोलते हैं। तो यहां पर सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसीत, सूरदास दो नेत्रों से अंधा था तो नेत्राभ्याम होगा। नेक्स्ट है ने से वह साकम साथ समयम यापयति, समय बिताता, वह साथ समय बिताता है। तो साकम से पहले तृतीय विभक्ति आएगी मित्रेण, से मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। प्रश्न संख्या 4, कई स्तंभे, कई स्तंभ में विशेषण पदम दत्तम, विशेषण पद दिए गए हैं, और खे स्तंभे चे विशेष्य पदम, और खे स्तंभ में विशेष्य पद हैं। तयो मेलनम, उन दोनों का मेल कीजिए। लेकिन हम यहाँ पर मेल नहीं कर रहे हैं, पहले प्रश्न देखेंगे उसके बाद में आंसर और प्रश्न। देखिए साथियों की स्वस्था के में है, स्वस्था क्या होनी चाहिए साथियों, मनोदशा, स्वस्था मनोदशा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या, गोष्ठी, महत्वपूर्ण क्या, गोष्ठी। जगन्यम, जगन्ने, जगन्ने क्या लिखेंगे, कृत्यम। नेक्स्ट किरणंती, खेलती हुई पुत्री, लड़की। कुत्सिता, कुत्सित, बहुत ही बुरी वृत्ति, ये आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे, स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, किरणंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। अब देखिए कि जो ऊपर वाला प्रश्न था उसका दोबारा आप देख सकते हैं कि परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। ऊपर का जो क्वेश्चन है उसका रिपीट है, ये आप दोबारा देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं 3 नंबर डाल देता हूँ, 3 नंबर डाल देता हूँ, ये दोबारा रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। छात्र लेखन्या लिखती, छात्र लेखने से लिखता है। सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसी, सूरदास नेत्रों से अंधा था। से मित्रेण चाकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। से मित्रेण साकम, वह मित्र के साथ समय बिताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट है, इसको भी आप दोबारा देखिए, आप ही के लिए किया गया है 2 बार। तो देखिए स्वस्था मनोदशा होता है, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, किरणंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति, ठीक है, कुत्सिता वृत्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आंसर फिर दोबारा देखिए। स्वस्थ मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, किरणंती पुत्री, कुत्सिता व्रती, ये 2-3 बार इसलिए दिया गया है जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदानाम, पदों के, विशेषण पदम, विशेषण पद, पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके लिखी। स्वय, स्वय का मतलब बीता, आने वाला कल, और इसका अपोजिट हुआ है बीता हुआ कल। नेक्स्ट है प्रसन्ना, और इसका अपोजिट होगा उदासीना, प्रसन्ना का अपोजिट उदासीन। वरिष्ठा, वरिष्ठा का अपोजिट क्या होगा, कनिष्ठा। फिर प्रशंसितम, आंसर होगा ग्रहीतम। प्रकाश है, अंधकार है, और सफला अफला, आगे है निरर्थक है, तो इसका आंसर होगा
सार्थक है। क्या होगा? सार्थक। अब देखिए अपोजिट देखिए, हाय स्वय सार्थक है निरर्थक है, उदासीना प्रसन्ना, अफला सफला कनिष्ठा वरिष्ठा, अंधकार है प्रकाश है, गृहितम प्रशंसितम। इस प्रकार भी कह सकते हैं, स्वय हाय प्रसन्ना उदासीना वरिष्ठा कनिष्ठा प्रशंसितम गृहितम, प्रकाश है अंधकार है, सफला अफला निरर्थक है सार्थक। प्रश्न संख्या छह, रेखांकित पदान या धृते, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण को प्रश्न निर्माण कीजिए। यहां पर देखिए साथी कि रेखांकित पद हमने कर दिया कि प्रसन्नताया बालिकाया षष्ठी एक वचन, तो इसके स्थान पर लिखेंगे कस्याः विषयोऽयम्, अयम मीन्स यह किसका विषय है। नेक्स्ट देखिए, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो सर्वकारस्य षष्ठी एक वचन, तो हम लिखेंगे कस्य किसकी घोषणा अस्ति, घोषणा है किसकी घोषणा है। अहम स्व अपराधम करोमि, मैं स्वयं अपराध करता हूं, तो अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं, किम स्व अपराधम के स्थान पर किम लिखेंगे, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो आंसर लिखेंगे अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं। ऐसे समयात पूर्वम, समय से पहले आयासम करोसि, आस करते हो, तो समयात के स्थान पर लिखेंगे आप कस्मात, किससे, बाकी सेम सेंटेंस होगा। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका क्रोड़े गोद में उपविशति बैठती है, तो आंसर देखिए अंबिका उपविशति बैठती है, कहां बैठती है, पुत्र कहां बैठती है, अंबिका कहां बैठती है, अंबिका पुत्र उपविशति पुत्र के स्थान पर, किस में या किस पर बैठती है, लेकिन पुत्र ठीक है एकदम। प्रश्न संख्या सात, अधोलिखिते संधि विच्छेदे, नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थान आनी पूरी, रिक्त स्थान भरी, मैंने रिक्त स्थान नहीं छोड़े हैं। नोक्तवती संधि युक्त पद है, इसका संधि विच्छेद हुआ न उक्तवती, इसमें गुण संधि है, एप न में ए है और इधर उ है, ए प्लस उ इक्वल टू ओ होता है। सहसैव संधि विच्छेद होगी, सहसा प्लस एव, सहसा में अचानक, एव का मतलब ही, अचानक ही, सहसा में आ है और इधर ए है, आ और ए मिलकर के आई हो जाता है। परामर्शानुसारम, परामर्श इसमें अंतिम वर्ण क्या है ए, और इसमें अनुसारम पहला वर्ण क्या है ए, ए प्लस ए क्या होता है आ, परामर्शानुसार। फिर बदा रहा, यहां पर भी वध में अंतिम ए वर्ण है और आगे आ रहा इसमें भी ए है, तो क्या हो गया आ हो गया। नेक्स्ट है अधुनैव, अभी, अधुना एंडिंग आ और एव एंड शुरुआत में ए, आ और ए आई हो जाता है अधुनैव अब ही। प्रवर्तो अपि, प्रवर्तो अपि तो प्रवर्तय है और अपि प्रवर्तय है अपि, इस प्रकार से साथियों हम ये प्रश्न और उत्तर करते हैं। धन्यवाद।